चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां और निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। चुनाव से जुड़े अधिकारी गृह जिले में तैनात नहीं होंगे, ये पत्र में लिखा गया है। ऐसे अधिकारियों के ट्रांसफर 20 अगस्त से पहले हों, ये आदेश भी दिए गए हैं, ये मांग की गई है। विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन आयोग ने मांगी है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब अपने चरम पर हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है और निर्वाचन आयोग की ओर से इस पत्र के जरिए ये मांग की गई है कि चुनाव से जुड़े जो अधिकारी हैं गृह जिले में, उनकी तैनाती ना हो, ऐसे अधिकारियों के ट्रांसफर जो है 20 अगस्त से पहले हों, ये मांग निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है। विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन आयोग ने मांगी है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां, और आप देखिए कि इसको लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि चुनाव से जुड़े अधिकारी गृह जिले में तैनात नहीं होंगे, ऐसे अधिकारियों की के ट्रांसफर के आदेश भी दिए गए और कहा गया है कि 20 अगस्त से पहले जो है उनकी ट्रांसफर हो जाए, इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। तो निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को ये पत्र लिखा है और कहा है कि जो भी चुनाव से संबंधित अधिकारी होंगे उनकी जो तैनाती है उनकी गृह जिले में नहीं होगी, और इस तरह के जो अधिकारी हैं उनका जो ट्रांसफर है 20 अगस्त से पहले पहले हो जाए। निर्वाचन आयोग की ओर से इस पत्र में ये लिखा गया है और कहा गया है साफ तौर पर कि ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफर 20 अगस्त से पहले पहले हो जाए। और साथ ही आपको बता दें कि विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन आयोग की ओर से मांगी गई है इस पूरे मामले में। गृह जिले में अधिकारियों की तैनाती ना हो, यानी कि जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं अधिकारी उनकी तैनाती उनके जिले में ना हो, वहां से अलग उनकी तैनाती की जाए,